अब यहाँ पे हमने देखना है कि मेथड को क्रिएट कैसे किया जाता है। ये एग्जांपल है इसकी। हम सिंपल क्या करते हैं, पब्लिक क्लास माई क्लास। अब ये पब्लिक और ये क्लास, ये क्या है, कीवर्ड है, ये प्री डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टैटिक वॉइड माई मेथड। अब यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि जो स्टैटिक है ये विदाउट ऑब्जेक्ट हम स्टैटिक यूज करते हैं। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक यूज कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, वाइड माई मेथड। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। मेथड क्या है, इज अ नेम ऑफ माई मेथड, ठीक। अब मेथड के नाम से आपने कोई भी बनाना है फंक्शन, तो उसके लिए हम माई मेथड यूज करेंगे। स्टैटिक का क्या मतलब है यहाँ पे, मीन्स द मेथड बिलोंग टू माई क्लास एंड नॉट है ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता उसमें स्टैटिक यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे वाइड है, वाइड का कीवर्ड है, उसका फंक्शन देख लेते हैं कि वाइड किस लिए यूज करते हैं। जैसे हम वाइड की बात करते हैं तो वाइड में कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो वाइड है उसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी आपके पास। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉल मेथड। पहले मेथड के बारे में पढ़ा, फिर उसको क्रिएट कैसे करते हैं, अब उसको कॉल कैसे करते हैं। टू कॉल अ जावा मेथड, राइट अ मेथड नेम फॉलो बाय टू पैरेंथेसिस एंड अ सेमी कॉलन। मेथड को कॉल किस तरह करते हैं, पहले तो मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए उसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करने के बाद हम उसे कॉल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट किया पब्लिक क्लास माई क्लास नाम से। स्टैटिक लगाया क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। वायर्ड यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि रिटर्न टाइप नहीं दे रहे। और उसके बाद माई मेथड यूज किया, यानी कि यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन स्ट्रिंग यूज किया। अब यहाँ पे जो माई मेथड ब्रैक और स्मॉल ब्रैकेट के साथ आ रहा, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेथड को कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया था, मेथड क्रिएट किया था, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं। हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा जो प्रिंट क्या आएगा, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक। इसके आउटपुट क्या आती है, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। जैसे हमने पढ़ा था कि मेथड एक दफा क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि बार बार उसको कॉल किया जा सकता है। पर्पस पढ़ा था मेथड का, रीयूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे मल्टीपल मेथड को हम यूज कर सकते हैं, जैसे पब्लिक क्लास माई क्लास, फिर यहाँ पे ये मेथड क्रिएट किया है। जैसे हमने पहले मेथड क्रिएट करने का मैकेनिज्म पढ़ा था, फिर उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक मेन कोई भी स्ट्रिंग देके आर्गुमेंट पास कर लो। माई मेथड ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन, ठीक है, या इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। एक दफा मेथड कॉल किया, फर्स्ट आउटपुट आई हमारी। सेकेंड टाइम मेथड कॉल किया, सेकेंड टाइम आउटपुट आई। थर्ड टाइम मेथड कॉल किया, थर्ड टाइम आपकी आउटपुट आई। मेथड क्रिएट एक ही दफा की है, लेकिन उसको जब चाहे जहाँ पे चाहे प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए ही मेथड को बनाया जाता है ताकि उसको जब मर्जी कॉल करें, रीयूज करें, उसको एक दफा बनाएं और उसको बार बार यूज कर सकें। अब
अब यहाँ में बात हो रही है इसमें आर्गुमेंट कैसे पास करने हैं आपने, पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पास फ्रॉम टू मेथड एज अ पैरामीटर। जैसे हमने मेथड बनाने का मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जब पास कर देते हैं उसे बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर एक्ट एन वेरिएबल इनसाइड द मेथड। ये भी एक वेरिएबल की तरह का ही होते हैं, जैसे हम दूसरे वेरिएबल यूज करते हैं इसी तरह इनको भी यूज करते हैं, इसीलिए इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। यहाँ आर्गुमेंट का नाम भी दिया रहता है। पैरामीटर हैज स्पेसिफाई आफ्टर द मेथड नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। यू कैन एड एज मैनी पैरामीटर एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद द कॉमा। अब ये नहीं कि एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, एक ही मेथड के अंदर डिफरेंट आर्गुमेंट या पैरामीटर पास किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे उसको क्या करना है, कॉमा के थ्रू सेपरेट करना है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल एज अ मेथड दैट टेक द स्ट्रिंग कॉल्ड एफ नेम। अब फर्स्ट पे आप क्या करना है, एफ नेम, अगर हम नेम मेंशन कर रहे हैं उसकी टाइप भी बतानी है मेथड के अंदर ही, मेथड के अंदर बताना है। हमने देखा था कि जो नेम है वो हमारी स्ट्रिंग ही होती है, वो करेक्टर में आती है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होते हैं। ठीक, तो इसलिए इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे स्ट्रिंग। व्हेन द मेथड इज कॉल्ड वी पास अलोन अ फर्स्ट नेम व्हिच यूज्ड इनसाइड द मेथड टू प्रिंट द फुल नेम। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि वो इसकी वर्किंग किस तरह होगी और किस तरह हम क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट पास कर सकते हैं अपने मेथड के अंदर। यहाँ पे देखते हैं कि मेथड एक प्रोग्राम के अंदर मेथड में जो पैरामीटर पास करते हैं वो किस तरह करेंगे। सिंपल पब्लिक क्लास माई क्लास के नाम से मेथड बना रहे हैं, स्टैटिक वॉइड माई मेथड। माई मेथड के अंदर स्ट्रिंग और एफ नेम, यानी कि कोई भी नेम हम दे रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, इसकी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। ये आपने क्या किया, मेथड क्रिएट किया था जो हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो मेथड के अंदर वैल्यूज देते हैं उसको पैरामीटर का नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटर। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एफ नेम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे एफ नेम, नेम के नाम से कोई भी चीज़ आएगी। अब जो भी नाम आप यहाँ पे देंगे, और स्ट्रिंग को हमने पढ़ा था कि डबल कोट के अंदर कवर करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ प्रिंट होती है तो यहाँ पे एफ नेम फर्स्ट और ये सेकंड हमारा नेम हो गया, और उसको कंकैटिनेशन के कंसेप्ट के थ्रू मर्ज कर दिया। अब ये मिडल ब्रैकेट स्टार्ट किया तो उसको एंड भी करना है, वहाँ पे एरर जनरेट होगा जहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं अगर क्लोज नहीं की जाती। पब्लिक, अब यहाँ पे मेंशन मेथड के अंदर मेंशन कर दिया। अब देखिए इसको कॉल किस तरह करेंगे, माय मेथड नेम फर्स्ट। ठीक, माय मेथड जेनी, माय मेथड एंजा। तो यहाँ पे हमने जब इनको फर्स्ट वाले को एग्जीक्यूट किया तो ये एफ नेम लाइम हमने एंटर किया, और ये जो नाम है वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। ठीक, उसके बाद जेनी, एफ नेम जेनी है यहाँ पे, और ये जो नाम होगा ये यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने दफ़ा आप मेथड डिक्लेयर करोगे उतने नाम आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ होगी वो एज इट इज आएगी क्योंकि आपने ये फिक्स कर दिया। फिर सेकेंड टाइम में जेनी आएगा और रेफरेंस ये यहाँ से आता जाएगा। फिर एंजा यूज का, एंजा का नाम आएगा, यूज नेक्स्ट जो नाम है उसका वैसे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये था कि हम पैरामीटर को किस तरह पास करते हैं, किस तरह
कंकेटिनेशन के थ्रू जो नेम है वो एक साथ आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मल्टीपल पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ये तो एक ही पैरामीटर था, नेक्स्ट पैरामीटर या मल्टीपल ज़्यादा पैरामीटर आते हैं तो वो किस तरह पास आउट करते हैं। करने से पहले हम देख लेते हैं कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है। पहले पैरामीटर और आर्गुमेंट एक साथ यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पैरामीटर और आर्गुमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले जब देखा तो वो एक साथ ही उनको डिफाइन किया जा रहा था, लेकिन अब क्या करते हैं कि उनको देख लेते हैं कि ये दोनों जो मेथड हैं, मेथड दोनों मेथड के अंदर जो हमने यूज़ किया था आर्गुमेंट और पैरामीटर यूज़ कर रहे थे, उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि When a parameter is passed to the method, it is called argument. जब parameter pass करते हैं method के, उसके argument कहते हैं। So from the above example, f name is a parameter. जो कोई भी नाम हो सकता था, ठीक है। f name जो आपने proper कोई नाम दिया था, variable के तौर पे use किया था, वो parameter। अब जो उसके अंदर जो data fill करते हो, फॉर एग्जाम्पल जेनी है, जितने भी तीन आपने नाम यूज किए ये आपके आर्गुमेंट थे, ठीक है। पैरामीटर के अंदर जो चीज़ें पास करते हैं उसे आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे एफ नेम है ना, ये पैरामीटर ही ओवरऑल नाम के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो नाम यूज करें इसके आर्गुमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे यूज करेंगे एक प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे क्या देख रहे थे कि मल्टीपल जो है पैरामीटर हैं वो किस तरह पास किए जाते हैं और उनको यूज़ किस तरह करेंगे। दिस इज द एग्जांपल डेट वी डिस्कस नाउ। पब्लिक क्लास माय क्लास, ये आपने क्या किया सिंपल प्रोग्राम के अंदर, क्लास बनाई, उसके बाद माई मेथड। अब हमने पढ़ा था कि मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि स्ट्रिंग एफ नेम, ये क्या है, एक पैरामीटर, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर एफ नेम एक पैरामीटर। इंट एज, इंट किस लिए यूज होता है, होल वैल्यू के लिए। एज भी होल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमारी एज हो सकती है 10, 20, 30, 40, 60, तो ये होल नंबर है, इसलिए एज के लिए इंट यूज करते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया स्ट्रिंग के अंदर, सेकंड यूज किया इंट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया, इनको स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के कंसेप्ट के थ्रू इनको मर्ज कर दिया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एफ नेम, जो भी नाम इसके अंदर रखेंगे वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा, प्लस कंकेटिनेशन। ये आपने क्या किया यहाँ पे, डबल कोट के थ्रू कवर किया इंट को, तो इंट एज भी प्रिंट होता जाएगा। एज, एज यहाँ पे होल वैल्यू एज के लिए यूज होगी। तो आपने यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास किए मेथड में। अब इसे सेपरेट किया कॉमा के थ्रू, ठीक, कॉमा के थ्रू। अब यहाँ पे क्रिएट, पहले क्या किया मेथड क्रिएट किया, आर्गुमेंट पास किए, आर्गुमेंट कितने पास किए यहाँ पे, दो पास किए। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देना, प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे मेथड्स कॉल कर रहे हैं, तीन मेथड कॉल किए, माय मेथड लाइम के नाम से, तो लाइम प्रिंट क्या होगा, एफ नेम, हमने यहाँ मेथड में लाइम रखा तो लाइम इज, इज क्या एज इट इज आता जाएगा हर नेम के अंदर। ये एज क्या है, 5। नेक्स्ट हमने मेथड पास किया वो जेनी के नाम से हो गया, क्योंकि जेनी भी एफ नेम के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट इज एज इट इज आएगा 8, एज, फिर एंजा, ये आपका थर्ड नाम होगा, थर्ड दफा आपने मेथड पास किया है, तो उसके बाद इज यहाँ से आएगा और एज 31, इस तरह पास होगी। अगर हमने 4 मेथड कॉल किया होता तो उसके अंदर नेम एक्स वाई जी, एज,
एज प्रिंट करवा देंगे, ऐसे 30 करवा देंगे। अभी आपने जो स्ट्रिंग टाइप में नाम पास करवाने हैं उनको डबल कोट के थ्रू कवर करना है, और एज आपने 500 की है तो उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करना है, स्टेट में टर्मिनेटर लगाना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका जिन पे फोकस करते जाना है। अब एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, वो कौन सी चीज होगी ये देख ले, नोट कर ले एक दफा। नोट डेट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ मल्टीपल पैरामीटर द मेथड कॉल मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट देयर आर पैरामीटर एंड द आर्गुमेंट मस्ट बी पास इन अ सेम ऑर्डर। यानी कि जिस तरह आपने पैरामीटर सेट किया हुआ है आर्गुमेंट भी आपके उसी अकॉर्डिंग पैरा असाइन होते जाएंगे। जैसे आपने पहले नाम रखा हुआ है फिर उसके बाद एज आपकी आई है, तो ये नहीं है कि पहले एज आप प्रिंट करवा दें फिर नेम प्रिंट करवा दें। तो ऑर्डर पैरामीटर और आर्गुमेंट का सेम होना चाहिए, ठीक है। जितने आपने आर्गुमेंट पास किया है मेथड में पहले उनको क्रिएट करना है, जितने आर्गुमेंट क्रिएट किए हैं उतने ही कॉल होंगे। ऐसे नहीं है कि आप नेम और एज ऊपर क्रिएट किया हुआ है और नेक्स्ट में आप नेम और एज के अलावा एड्रेस भी मेंशन कर दो तो एड्रेस मेंशन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने स्पेशली। अब यहाँ पे रिटर्न वैल्यूज किस तरह करवाएंगे, वैसे तो वर्ड मेन यूज करते हैं, वर्ड की वर्ड यूज करते हैं जो ये शो करता है कि कोई भी वैल्यू हमने रिटर्न नहीं करवानी। अगर आपने कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो प्रिम्प्टिव डाटा टाइप यूज करेंगे। प्रिम्प्टिव और नॉन प्रिम्प्टिव दो टाइप के डाटा टाइप होते हैं, ये आपका पेपर में क्वेश्चन भी आ रहता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रिम्प्टिव डाटा टाइप और नॉन प्रिम्प्टिव डाटा टाइप। तो प्रिम्प्टिव डाटा टाइप क्या होती है, इंट करेक्टर जो फिक्स वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनका पता होता है कि वो कितने बाइट लेंगे। इंस्टेड ऑफ वाइड एंड यूज रिटर्न की वर्ड इनसाइड द मेथड, हम मेथड के बाहर रिटर्न का की वर्ड लगाते हैं अगर वैल्यू हमने रिटर्न करनी है, अगर हमें वो वैल्यू चाहिए जी। तो यहाँ पे एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल रिटर्न वैल्यूज के बारे में थी। रिटर्न जैसे हमने देखा था कि रिटर्न प्रिंटेड डाटा को करते हैं इंट या करेक्टर। अब मेथड यहाँ पे जब क्रिएट किया इंट माई मेथड इंट एक्स, अब यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जो करनी है वो 5+x होगी, ठीक। और नेक्स्ट यहाँ पे माई मेथड 3 के नाम से वैल्यू क्या की प्रिंट करवा दी। अब जहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट माई मेथड में जो वैल्यू थी वो आएगी, फिर उसके बाद 5+x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रिटर्न मेथड यूज करते हैं वैल्यूज को रिटर्न करवाने के। इन दी अबव एग्जांपल वी हैव पास्ट वी हैव रिटर्न जस्ट वन वेरिएबल विच वाज एक्स। इन दिस एग्जांपल वी विल रिटर्न टू वैल्यूज दैट वाज एक्स एंड वाई। पब्लिक क्लास माई क्लास इंट एक्स एंड वाई रिटर्न क्या करवा रहे हैं, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो जिसे कॉल किया यहाँ पे इंट जी माई मेथड 5 और 3, अब यहाँ पे ये तीन दोनों वैल्यूज आएंगी और आउटपुट सेम आती हैं यहाँ, ठीक। यानी कि दोनों वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं, फर्स्ट पे को करवाई थी यहाँ पे दोनों को करवा रहे हैं। इससे क्या होता है, रीड करना और मेंटेन करना आसान होता है। नेक्स्ट ये मैकेनिज्म देखेंगे वो इफ एल्स का मैकेनिज्म, कि जो इफ एल्स का जो मेथड है वो जावा के अंदर किस तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है पब्लिक क्लास माई क्लास स्टैटिक वर्ड चेक एज इंट एज,
क्या है? क्रिएट अ चेक एज मेथड इन एन इंटीजर वेरिएबल कॉल एज, यानी कि मेथड क्रिएट कर रहे हैं किस नाम से, चेक एज के नाम से। यहाँ पे आपने क्या किया, वेरिएबल इंटीजर के नाम से लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई, इफ एज इज लेस देन देन प्रिंट एक्सेस डिनाई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये ही प्रिंट होता है, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होता। ठीक है, एज क्या होती है, लेस देन 18 हो जाती है तो वो एक्सेस ना दे और ये प्रिंट करवाए एक्सेस डिनाइड, यू आर टू ओल्ड। इफ उसी कंडीशन में फॉल्स होगा जब कंडीशन ट्रू होती है, टू डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अब नेक्स्ट यहाँ प्रिंट हो रहा है, इफ द एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट एक्सेस ग्रांट। अगर लेस देन होगा तो एक्सेस डिनाई, अगर यहाँ पे एज ग्रेटर देन तो एक्सेस ग्रांट कवर्ड आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसमें क्या पास करेंगे, एक्सेस ग्रांटेड, अगर आपकी जो एज है वो 18 से अबव होती है। एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। तो इफ उस कंडीशन में लगता है जब कंडीशन आपके ट्रू होती है, फॉल्स की कंडीशन में आपके पास एल्स चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलते। एट अ टाइम कंडीशन में टू पॉसिबिलिटीज होती हैं, जिसमें एक ने ही काम करना है, दोनों काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेथड कॉल कर लेंगे कि एज को चेक करें, कॉल चेक एज मेथड एंड पास अलॉन एज ऑफ 20। अब यहाँ पर 20 आ गए, 20 18 से लेस देन है, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है, एल्स पे, प्रिंट करवा देगा एक्सेस ग्रांटेड। ठीक, अब ये इफ एल्स का मैकेनिज्म है, इसमें कंडीशन के पॉसिबिलिटीज को चेक किया रहता है।